71 किसान, 71 जवान, ऐसे लोगों का भी सम्मान करना है। सभी जनपदों में हो रहा है सेवा बस्ती, दिव्यांग जन ऐसे स्थानों पर जाकर फल वितरण, हॉस्पिटल में फल वितरण, उसी के तहत आज प्रयाग में आदरणीय मंत्री आदरणीय नंदी जी द्वारा एक आदरणीय मोदी जी पर बनी हुई फिल्म बचपन से लेकर और 20 साल शासन कैसा उन्होंने चलाया, पहली बार इस राज्य के अंदर शासन करते हुए सामाजिक जीवन क्या होता है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान चलाना, यह सरकार का काम है लेकिन यह सामाजिक बने और 125 करोड़ जन आंदोलन करें और जन आंदोलन से जुड़ें, ये पहली बार उपलब्धता है। विश्व के लोकप्रिय नेता हैं आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आज देश के प्रधानमंत्री हैं, गरीबों का ख्याल करते हैं, देश के सम्मान की बात करते हैं, आज पूरी दुनिया में जय जयकार हो रहा है। आज आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम सभी कार्यकर्ता, संपूर्ण प्रदेशवासी, संपूर्ण देशवासी शुभकामनाएं देते हैं, सभी की दुआ उनके साथ है और सभी लोग आज वह चाहते हैं कि आदरणीय मोदी जी इसी तरह दीर्घायु रहें, हम सबका नेतृत्व करें और समाज को, देश को इसी तरह आगे लेते जाएं और गरीबों की जिस प्रकार चिंता कर रहे हैं इसी तरह चिंता करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेगा वैक्सीनेशन भी है मोदी जी के बर्थडे पर, किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से लोगों को संदेश देंगे? मेगा वैक्सीनेशन टीकाकरण पहला देश के प्रधानमंत्री हैं, अभी तक जब दुनिया टीकाकरण हो जाता था तब देश में शुरू होता था, आप देखे होंगे पहली बार कोरोना जैसे महामारी को, चुनौती को अवसर में बदलने का काम किया और देश को बचाया, सेना के लोग लगे ट्रेन से ऑक्सीजन, मतलब एक तरह का कहा जाए कि पूरी ताकत सरकार ने झोंक दिया था देश को बचाने के लिए। पहली बार दो दो वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण इस देश के अंदर हो रहा है और हमें लगता है दुनिया में सबसे अधिक टीकाकरण और उत्तर प्रदेश आज सबसे आगे है योगी जी के नेतृत्व में टीकाकरण के मामले में। और सभी कार्यकर्ता आज जो लक्ष्य लिया गया है 2 करोड़ का देश के अंदर, आज सभी टीकाकरण स्थानों पर कार्यकर्ता जा रहे हैं, अधिक से अधिक उत्तर प्रदेश